Assalamualaikum student, this is your grade 4 mathematics course and your teacher is Mavish. हमने previous class में question start किया था measure the diameter of the following circles and find their radius. इसमें हमने question number 1 complete कर लिया था, आज हम question number 2 करेंगे. ये मैंने एक circle draw किया है, ठीक है. बेसिकली जैसे मैंने पिछले प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको कि सर्कल आपके पास ड्रॉ हुआ आएगा, क्योंकि ये अभी हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं. बेसिकली पेपर्स में आएगा तो आपके पास सर्कल ड्रॉ होगा, आपको रेडियस फाइंड नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अभी हमने खुद ड्रॉ करना है तो इसलिए मैंने आपको रेडियस पहले से बता दिया था. लेकिन मेन पर्पस इस क्वेश्चन का यही था कि हमने डायमीटर और रेडियस ही फाइंड करना था पिक्चर से मेजर करके विद द हेल्प ऑफ रूलर. ये थोड़ा सा यहाँ मैंने वाइटो किया हुआ है बिकॉज के लाइन मैंने क्रॉस में ज़रा गलत ड्रॉ कर दी थी. ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है. आप भी अपने प्रोटेक्ट कंपास से 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा. हमें रेडियस और डायमीटर मालूम करना है तो हम सबसे पहले सर्कल का रेडियस मालूम करने के लिए, हमें डायमीटर मालूम करने के लिए हमने अपने स्केल को जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इस पर रखेंगे. इट्स 5 सेंटीमीटर. डायमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर. हमें पता है रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है. वी नो दैट रेडियस इज़ अ हाफ डायमीटर. हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू 1/2 डी. 1/2 मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे. डायमीटर की जगह हमने फाइंड आउट कर लिया रूलर से, 5 सेंटीमीटर 5 मेंशन कर देंगे. देन 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें रेडियस पता चल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. डी जो है डायमीटर एक्स इन वाई है, तो रेडियस क्या होगा? ओ वाई भी हो सकता है, ओ एक्स भी हो सकता है. रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो हाफ ये पोर्शन भी है, हाफ ये पोर्शन भी है, ठीक है. दोबारा से ये बात बता दूँ कि डायमीटर और रेडियस जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा, आपके पास सर्कल जो है बने हुए आएंगे. यहाँ हम कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए मैंने रेडियस पहले से मालूम कर लिया है, वरना जो है आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सर्कल बने हुए आएंगे, आपको सिर्फ स्केल की मदद से इस रेडियस डायमीटर फाइंड आउट कर. ओके, न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग. हमें कुछ ब्लैंक्स के फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने. हिंट क्या है? रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायमीटर. हमें पता है रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ होता है. और तो फिर डायमीटर क्या हो गया? रेडियस का डबल हो गया. जब रेडियस डायमीटर का आधा है तो डायमीटर रेडियस का डबल हुआ ना. तो इफ़ रेडियस इज़ 2 सेंटीमीटर देन डायमीटर, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर क्या है? डायमीटर डबल है, तो रेडियस डायमीटर शुड बी 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली इफ डायमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर किसी सर्कल का गिवन है, तो हमें पता है रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर. तो रेडियस कितना हुआ? 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर हो गया. सिमिलरली इफ रेडियस इज़ 1.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इज़ डबल ऑफ रेडियस, डेट इज़ 3 सेंटीमीटर. इफ डायमीटर इज़ 2 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर. इफ़ रेडियस इज़ 1.75 सेंटीमीटर देन डायमीटर इज़ डबल ऑफ इट, डबल ऑफ 1.75 इट्स 3.5 सेंटीमीटर. इफ़ रेडियस इज़ 1.2 सेंटीमीटर, सो डायमीटर इज़ डबल ऑफ 2.4 सेंटीमीटर. तो कहीं पे मैं ये मिसिंग करूँगी, कहीं पे ये मिसिंग करूँगी, कहीं पे वर्ड्स आगे पीछे करूँगी, आपके माइंड की को ट्रिक करना है कि किस तरीके से आप पिक कर दें. कि इफ़ रेडियस इज़ 2.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर का डबल है, 2.5 का डबल हो गया 5 सेंटीमीटर. डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया. रेडियस 4 है तो डायमीटर 8, 4 का 8 डबल 8 हो गया. इफ़ रेडियस 3 है तो डायमीटर डबल हो गया, 3 के डबल क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली इफ रेडियस इज़ 9 सेंटीमीटर, अगर रेडियस सॉरी इफ डायमीटर इज़ 9 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर आपके पास 9 सेंटीमीटर है, तो आपका रेडियस क्या होगा? 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, मीन्स 9 का हाफ है रेडियस, और रेडियस जो है 4.5 सेंटीमीटर हो गया. ये आपका आज का काम है. नेक्स्ट क्लास में हम रेडियस और डायमीटर हमने आज जो है बहुत सही से समझ लिया है. ये ब्लैंक्स करवाने का जो पर्पस है बेसिकली वो यही था कि रेडियस और डायमीटर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि व्हेन वी ड्रॉ द सर्कल वी यूज़ दिस रेडियस एंड देन वी विल ड्रॉ द लाइन ऑफ डायमीटर ऑन दैट सर्कल. सो काइंडली डू दिस वर्क इन योर नोटबुक्स प्रॉपरली. देन वी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ सर्कल. थैंक यू.